ये है चाहते की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी प्रिशा की परेशानी के साथ, जो रुद्र को ना मिल पाने की वजह से बहुत ज़्यादा टेंस्ड होगी। तभी रुद्राक्ष आएगा, प्रिशा उसे हग करेगी और यहाँ पर सॉन्ग बजेगा इस शो के टाइटल ट्रैक का। तभी वो कहेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रिशा कहेगी कि तुम गए कहाँ थे मुझे बिना बताए। रुद्राक्ष कहेगा कि मैं एक्चुअली सोनिया के साथ जंगल में फंस गया था। तभी शारदा उसे कहेगी कि लेकिन तुम जंगल क्यों गए थे। तभी रुद्र बताएगा कि दरअसल सोनिया का मेरे पास कॉल आया था कि वो सनी को ढूंढते ढूंढते जंगल में फंस गई है। वसुधा कहेगी कि लेकिन तुम प्रिशा को बता सकते थे, या प्रिशा जब कॉल कर रही थी तो तुम उठा सकते थे। रुद्र कहेगा कि एक्चुअली अम्मा मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, इसकी वजह से मुझे पूरी रात जंगल में ही बितानी पड़ी और आज कबीर और युवराज ने हमें ढूंढा। बाद में युवराज वो सारी तस्वीरें दिखाएगा जो उसने जंगल में चुपके से रुद्राक्ष और सोनिया की ली थी। वो सुलोचना मिश्रा को दिखाएगा और सब युवराज के प्लान की तारीफ करेंगे और सब मिलकर के डिसाइड करेंगे कि चलो अब ये सारी तस्वीरें हम प्रिशा को दिखा देते हैं। तभी युवराज उन्हें रोकेगा और कहेगा कि नहीं, यहाँ पर रुद्राक्ष और प्रिशा के बीच कुछ भी नहीं होने वाला। कबीर यहाँ पर कहेगा कि हाँ, प्रिशा यहाँ पर इन पिक्चर्स को देख करके कुछ भी डाउट नहीं करने वाली। युवराज साथ में ये भी कहेगा कि प्रिशा युवराज की माने तो रुद्राक्ष के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है, बल्कि वो उल्टा सोनिया से सवाल जवाब करेगी। और भूलो मत, प्रिशा एक जज की बेटी है और वो सोनिया से कन्फेस करवा ही लेगी जो भी कुछ सच है। मिश्का कहेगी कि अगर हमें प्रिशा को तस्वीरें दिखानी ही नहीं है तो तुमने ये क्लिक क्यों की है। तभी यहाँ पर युवराज कहेगा कि पहली बात तो हमारे पास ये सेकेंड प्रूफ है सारांश के कस्टडी केस के लिए, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि रुद्राक्ष खुराना कितना बेकार और निकम्मा बाप है कि अपनी बीवी के होते हुए किसी और के साथ सो रहा है। और जब हमें सरांश की कस्टडी का ये केस दिया जाएगा उसके लिए हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि प्रिशा विटामिन सी की टैबलेट सनी और सरांश को देगी। मिश्का ये देखकर बहुत ही बड़ी सी स्माइल दे रही होगी और अपना खाना इंजॉय कर रही होगी। रुद्राक्ष कहेगा कि मैं सनी को 2 दिन के अंदर स्विमिंग करना सिखा दूंगा। तभी वो डिसाइड करता है कि वो प्रिशा को भी स्विमिंग करना सिखाएगा। बाद में थोड़ी देर के बाद प्रिशा यहाँ पर विटामिन सी की टैबलेट दोनों को फिर से देती है। सनी सारांश यहाँ पर पूल में खेल रहे होते हैं और रुद्र प्रिशा भी यहाँ पर एक फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अपने पूरे परिवार को खुश देख कर रुद्राक्ष प्रिशा को हग करता है और कहता है कि हमेशा से मैं ऐसी ही फैमिली चाहता था। प्रिशा थैंक यू सो मच तुम्हें मेरा इस सारे ड्रीम को कम्प्लीट करने के लिए साथ देने के लिए। अगली सुबह का सीन दिखाया जाएगा जब सारांश और सनी सो करके उठेंगे ही नहीं। रुद्र और प्रिशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और तभी वो कहेंगे कि पता नहीं क्या हुआ है, कोई भी बच्चा जग नहीं रहा है। तभी यहाँ पर प्रिशा डिसाइड करेगी कि डॉक्टर को बुलाया जाए। रुद्राक्ष जैसे ही कॉल करके डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर बच्चों को चेक करता है और वो कहता है कि आखिर इन्होंने लास्ट टाइम क्या खाया था। तब प्रिशा कहती है कि मैंने इन्हें विटामिन सी की टैबलेट्स दी थी। डॉक्टर कहता है कि वो दवाइयाँ आप मुझे दीजिए। डॉक्टर जैसे ही उन दवाइयों को एग्जामिन करता है वो सबको बताता है कि ये स्लीपिंग पिल्स हैं ना कि विटामिन सी की टैबलेट, और वो प्रिशा को उसके केयरलेस बिहेवियर के लिए बहुत डांटता है। साथ में डॉक्टर ये भी कहता है कि ये पुलिस केस है और मुझे इसे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। ये सुनते ही रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और उस पर चीखने चिल्लाने लगता है। डॉक्टर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं वापस से सनी और सारांश को चेक करने के लिए आऊँगा। वहाँ पर दिखाया जाएगा कि मिश्का और कबीर डॉक्टर को प्रवोक करेंगे और कहेंगे कि आप रुद्र प्रिशा के इस बिहेवियर के बारे में क्या पुलिस को स्टेटमेंट दे देंगे। कबीर यहाँ पर डॉक्टर से कहता है कि वैसे भी प्रिशा उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं है और ना ही सनी और सारांश की है। डॉक्टर प्रिशा के खिलाफ ये मेडिकल स्टेटमेंट देने के लिए राजी हो जाता है कोर्ट में। यहाँ पर प्रिशा बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली सोचती है कि आखिर विटामिन सी की टैबलेट्स स्लीपिंग पिल से किसने चेंज की, क्योंकि वो तो हमेशा से ही सारांश को ये देती आई है। यही हो जाएगा शुरुआत के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि क्या प्रिशा को मिश्का की हरकत का पता चल पाता है। वेल, व्हाट यू थिंक, डू मेंशन अस इन कमेंट बॉक्स बिलो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल सीरियल्स यापा को सब्सक्राइब ज़रूर करें।